कि आपने धर्म का सहारा भी टेंशन कम हो जाए इसके लिए ले रखा है। आपको कोई असली धर्म की कोई रुचि रुचि नहीं है। मेरे कई भाई जो है ना वो प्रवचन सुनते मेरे, कह रहे तुम मेरे कमेंट्स भेजते ना, अभी कई भाई जुड़ गए तो कहते भाई साहब आप कुछ बचने भी दोगे कि नहीं, हमेशा एकदम खड़े कहाँ रहे हम, कहीं बच रहा हूँ अब आप झूल हो। कहते आप हम एक बात सोचते हैं आप उसको गिरा देते, हम दूसरी सोचते उसको गिरा देते। हमने कहा जब का सब कुछ नहीं गिरेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तुम्हें अपनी असलियत तो पता चलनी चाहिए है क्या। भाई साहब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब मैं सही बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, सुनो जैसे सुन लो थोड़ी सी बात। जैसे उस समय जब दुनिया भर की धर्म के नाम पर पाखंड चलते थे, बातें चलती थी, और एक गुरुदेव हुए जिनने प्योर तत्व ज्ञान की बात करी, भाग्य थे उन लोगों के जिनने वो बात सुन ली, समझ ली, उतर गए अनुभव में। ऐसे ही वर्तमान में भी पाखंड और धर्म की बातें बहुत चल रही हैं, असली बात कहने वाले अब उंगलियों पे भी गिनने जितने नहीं बचे। मैं अभी कह रहा हूँ क्लियर, जिन पंडितों को तुम अनुसरण करते हो, जिनको भी सुनते हो, उनमें उंगली जितने नहीं बचे कि तुम सत्य ग्रहण कर पाओ और वे तुम्हें सत्य बता सके। क्यों? क्योंकि ना कहने की ताकत है उनमें और ना अंदर अनुभव है, डरते हैं सब, समाज से बंधे हुए, संस्था से बंधे हुए, वे क्या सत्य बोलेंगे तुमसे। इसलिए मैं तुमसे गहराई से कह रहा हूँ, अभी भी निर्णय कर लो कि हम कहाँ किस आधार से आत्मा में लगे हुए हैं। जब तक नहीं लगोगे, जब तक गहराई से नहीं दोगे, तब तो बहुत मुश्किल पड़ेगा आत्मा को समझना, विचार करना।